दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसी की तरफ से दोस्तों 5 टीवी चैनल्स को कैंसिल किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन को। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को उन 5 चैनलों के नाम और उनकी पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं देश के नंबर 1 डीटीएच रिलेटेड यूट्यूब चैनल साहिल वेरिटीज पे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया लिमिटेड का चैनल है यूटीवी मूवीज इंटरनेशनल, इसके भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है, लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। इनको लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन में बोल रहा हूँ, लाइसेंस मिलता है, और जिसके बाद अगर यह चैनल अगर नहीं सर्विस देते हैं तो इनके लाइसेंस को कैंसिल भी कर दिया जाता है। अब दोस्तों मिनिस्ट्री MIB ने जो रीजन बताया है, ड्यू टू बिजनेस रीजन वी आर डिसकनेक्टिंग द चैनल, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगला जो चैनल है स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है जलसा जोश, जो कि पहले स्टार स्पोर्ट 1 बंगला स्टार मूवीज किड्स HD नाम से था, उसके बाद ये जलसा जोश हुआ। इसका भी रीजन वही बताया गया है, ड्यू टू बिजनेस रीजन वी आर डिसकनेक्टिंग द चैनल। उसके बाद से दोस्तों अगला जो चैनल है कलकत्ता टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का AKDCN राष्ट्रीय, तो दोस्तों इसका पहले नाम था CTBN AKD राष्ट्रीय रियो करके इसका नाम था, और इसका जो रीजन बताया गया है फाइनेंशियल क्रैश एंड लॉस बीइंग मेड, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसकी बताई गई है दोस्तों। और अगला जो चैनल है दोस्तों UTB एक्शन है, जो इससे पहले बिंदास मूवीज नाम से हुआ करता था। इसका रीजन ड्यू टू बिजनेस रीजन वी आर डिसकनेक्टिंग द चैनल UTV एक्शन, ये बताया गया है। उसके बाद से अगला जो चैनल है वो भी है दोस्तों डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया लिमिटेड का UTV मूवीज, इसका भी रीजन दोस्तों बस वही बताया गया है ड्यू टू बिजनेस रीजन है। तो दोस्तों ये रहे 5 टीवी चैनल, मुझे लगा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप भी लोग कहीं ना कहीं इन चैनलों को खोजेंगे कभी ना कभी अपने DTH या केबल के चैनलों में। तो दोस्तों ये चैनल हो चुके हैं पूरी तरीके से, इनका लाइसेंस ख़त्म हो चुका है, और बाकी ये अलग अलग नामों से आपको अलग अलग जगह पे अवेलेबल होंगे। बाकी आने वाली वीडियोज में हम बताएंगे कि ये चैनल किस किस नाम से अवेलेबल है। बाकी जो ये कलकत्ता वाला जो चैनल था जो कि है AKD, ये तो फाइनेंशियल रीजन से ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है, इसका कोई भी रिब्रांड वगैरह ये नहीं हुआ है। बाकी जो डिज्नी और स्टार के चैनल हैं ये रिब्रांड हुए हैं, अब इनके भी कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।